तो हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप ग्रो में शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको फुल एकदम इजी तरीके से बताने वाला हूँ और फ्रेंड्स जो ग्रो डीमेट अकाउंट है बहुत ही सिंपल ऐप है क्योंकि आप इसमें अगर एज ए बिगनर हो तो भी आप आसानी से इसको यूज कर सकते हो तो चलिए देखते हैं तो फ्रेंड्स शेयर्स को बाय एंड शेयर सेल करने के लिए आपको सिंपल ग्रो ऐप ओपन कर लेना है उसके बाद ओपन करने के बाद सिंपल यहाँ पे अभी आप देख सकते हो सर्च पे जो भी शेयर्स को आपको बाय करना है सिंपल उसको सर्च कर लेना है तो चलिए मैं जो जिसको बाय करने वाला हूँ उसका सर्च तो ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ है यहाँ पे देख सकते हो जो रीडिंगटन इंडिया है उसका मैंने सर्च किया था तो सिंपल इस मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो जैसे आप किसी भी शेयर्स को ओपन करने के बाद उसका भी आप देख सकते हो जो प्राइस चल रहा है करंटली तीन सौ चल रहा है और ये कंपनी टीक हार्डवेयर कंपनी है उसके बाद अभी आप यहाँ पे आप देखोगे तो ये मतलब ये जैसे वन डे वन वीक वन मंथ तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि इसमें एक वीक में आप देखोगे तो वन पॉइंट सेवन सिक्स परसेंट का रिटर्न दिया उसके बाद वो एक महीने का देखोगे तो इतना ऊपर गया मतलब सेवन पॉइंट टू थ्री परसेंट का रिटर्न दिया बाईस रुपये गया और एक साल का देखोगे तो दो सौ सत्तर परसेंट यानी बहुत हो जाता है और अगर आपको कैंडल में देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके कैंडल भी कर सकते हो इस टाइप से तो ये तो होगा ग्राफ का और रिटर्न का अभी परफॉर्मेंस की बात कर ले थोड़ा सा नीचे करोगे आप इसको तो देख सकते हो टू डेज लो दिखाएगा यहाँ पे और टू डेज हाई दिखाएगा तो यानी आज के दिन इतना हाई गया है तीन सौ और इतना लो गया है तीन सौ और बावन वीक का यानी बावन सप्ताह का देखोगे तो तीन सौ तिरपन रुपये एकदम हाई है इसका और लो है जो कि है पचासी रुपये तो इस टाइप से आप हाई लो देख सकते हो उसके बाद जो मार्केट पोजीशन देख सकते हो कि कितना बाय कर रहे हैं इसको लोग और कितना सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हो जो सेल ऑर्डर लगा हुआ है सेवेंटी टू परसेंट है और बाय ऑर्डर है जो कि है ट्वेंटी सेवन परसेंट तो इस टाइप इस टाइप से आप देख सकते हो उसके बाद ये फंडामेंटल्स रिकॉर्ड्स आपको देखना है तो देख सकते हो ये भी उसके बाद फाइनसियर रिकॉर्ड पर आ जाते हैं डायरेक्ट तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेवेन्यू हो गया प्रॉफिट हो गया तो इस टाइप से आप देख सकते हो एक क्वार्टरली दिखा रहा है तो प्रॉफिट कर देता हूँ मैं तो यहाँ पे आप ईयरली देख सकते हो तो ईयरली आप देखोगे तो कंपनी को हर साल प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है तो बाकी ये तो हो गया फाइन मतलब इसकी फाइनसियल रिकॉर्ड अभी सिंपल फ्रेंड्स मान लीजिए मुझे इसी कंपनी का शेयर्स ख़रीदना है तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे सेल एंड बाय का ऑप्शन आता है मेरे पास तो बाय करने के लिए सिंपल फ्रेंड्स आपको बाय पे क्लिक कर देना है तो जैसे आप पे क्लिक कर देते हो फ्रेंड्स तो आपको जैसा है वैसा ही रहने देना है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सिंपल सा मैं आपको प्राइज़ का दिखाऊँगा यहाँ पर और ये दिखाऊँगा तो यहाँ पर आपको जितना भी क्वान्टिटी लेना है सिंपल डाल देना है तो मान लीजिए मुझे तीस क्वान्टिटी लेना है तो तीस डाल देता हूँ मैं उसके बाद अभी देख सकते हो फ्रेंड्स जो प्राइस है मार्केट के ऊपर डिपेंड है यानी मार्केट सेलेक्ट किया हुआ है तो जैसे अभी मान लीजिए तीन तीन रुपये उनतीस पैसे सॉरी तीन सौ उनतीस पॉइंट नब्बे पैसे हो जा रहा है पंचानवे हो जा रहा है तो मार्केट का यही रहता है मतलब अगर मैंने मार्केट पर बाय कर दिया तो जिस भी प्राइस पे चल रहा है उसी प्राइस पे बाय हो जाएगा यानी 330 पे चल रहा है तो 330 पे भी हो सकता है या फिर तीन सौ हो जाता है बीच में तो तीन पे भी बाय हो जाएगा तो सिंपल फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लिमिट कर देना है जैसे उस पर क्लिक करते हो तो लिमिट मार्केट दोनों ऑप्शन आ जाता है तो सिंपल लिमिट करते हो तो आपको लिमिट लगाने का ऑप्शन आ जाता है जैसे मान लीजिए मैं इसको लगा देता हूँ तीन सौ उनतीस रुपये तो यानी तीन सौ उनतीस रुपये आएगा तभी ये बाय होगा तो सिंपल फ्रेंड्स इतना आपको करने के बाद बाय पे क्लिक कर देना है बाकी आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सिंपल पे क्लिक कर देता हूँ मैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा तीस शेयर्स का है डन हो गया है मैंने बाय ऑर्डर्स लगा दिया है यहाँ पे देख सकते हो बाय ऑर्डर प्लेस हो गया है अभी जब भी मार्केट तीन सौ उनतीस रुपये पर आएगा तो मेरा जो तीस शेयर है वो बाय हो जाएगा उससे पहले बाय नहीं होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी पोजीशन में तो देख सकते हो यहाँ पे मैं आ गया डैशबोर्ड में तो डैशबोर्ड में आप देख सकते हो जो ओपन ऑर्डर है यहाँ पर देख सकते हो जो ओपन ऑर्डर है अभी मार्केट पहुँच गया तीन सौ तीस पैसे पर गया जबकि हमारा ऑर्डर लगा हुआ है तीन सौ उनतीस रुपए पे तो चलिए मान लीजिए अभी इसको आपको मॉडिफ़ाई करना है तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हो फ्रेंड्स तो आपको कैंसिल करने का भी ऑप्शन आ जाता है मॉडिफाई करने का भी तो मान लीजिए मुझे मॉडिफाई कर देता हूँ मैं तीन सौ उनतीस पॉइंट नाइन्टी फाइव कर देता हूँ कंफर्म चेंजेस तो अभी देखते हैं होता है कि नहीं जैसे हो जाता है फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना बाय ऑर्डर कन्फर्म हो गया है ये देख सकते हो मुझे ऑर्डर भी मैसेज भी आ गया ऑर्डर एग्जीक्यूटेड तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल तो देख सकते हो जो होल्डिंग्स में यानी डायरेक्ट होल्डिंग्स में आ जाता है हमारा यहाँ पे हाँ यहाँ पे अभी नीचे आप देख सकते हो क्या नाम है इस कंपनी का डिडक्टन कंपनी का तीस शेयर्स तो देख सकते हो होल्डिंग्स में दिखा रहा है तो जैसे हम यानी होल्डिंग्स में बाय करते हैं तो फ्रेंड्स हमारा जो शेयर्स रहता है वो होल्डिंग्स में दिखाने रहता दिखाने लगता है तो इस टाइप से फ्रेंड्स आप शेयर्स को बाय कर सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो करेंटली मुझे बारह रुपये नौ रुपये प्रॉफिट दिखाने लगा है क्योंकि ये ऊपर पहुँच गया है इत, इतना होल्डिंग डिटेल्स देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मार्केट प्राइस था तीन यानी हमारा एवरेज तीन सौ तीस पॉइंट पचास पर बाय हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवरी पोजीशन और तीस शेयर मैंने बाय किया है तो इस टाइप से फ्रेंड्स आप बाय कर सकते हो और सिंपल अभी सेल करना है तो मान लीजिए तो सिंपल मुझे सेल पे क्लिक करना पड़ेगा और जितने क्वान्टिटी उतना डाल देता हूँ मैं और सेल पर क्लिक करूँगा तो जैसे ये सेल पर सेल हो जाएगा और अगर आपको लिमिट लगाना है मान लीजिए ये तीन सौ चालीस रुपये पे जाएगा तभी सेल करना है मुझे तो इस टाइप से आप सेल का लिमिट लगा के सेल कर सकते हो तो बाकी फ्रेंड्स यही था वीडियो और आपने देखा कि हम ग्रो में किस प्रकार से, से शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं